खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना जहानागंज क्षेत्र परशुपुर अंतर्गत 10 साल प्रधान रहे रामबली ने अपने गांव का काफी विकास किया, जिसकी वजह से इस बार उनकी पुत्रवधु विनस चौधरी बीडीसी पद के लिए नामांकन की तो उनके विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार नामांकन करने नहीं गया और विनस चौधरी ने निर्विरोध बीडीसी चुन ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विनस चौधरी ब्लॉक प्रमुख पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने विनस चौधरी के ससुर पूर्व प्रधान रामबली से बात की तो पूर्व प्रधान रामबली ने क्या कुछ कहा, पेश है यह रिपोर्ट। देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र परशुपुर में हूं और परशुपुर ग्राम सभा से विनस चौधरी जो है बीडीसी का पर्चा दाखिला की थी और वह जो है निर्विरोध बीडीसी हो गई है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और उनके इस समय जो है वर्तमान में ससुर जी साथ में खड़े हैं, जो कि दो बार लगातार जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, 10 साल प्रधानी किए हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आगे वह उनकी मंशा क्या है और क्या वो ग्राम समाज का और ब्लॉक का क्या हित करना चाहते हैं, कितना विकास करना चाहते हैं, आगे उनकी क्या मंशा है, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको जो है आपकी बहू को और आपको जो है बीडीसी पद के लिए निर्विरोध चुने जाने के लिए बधाई देता हूं और इसके बाद जो है सर जनता को मैं आपसे परिचित कराना चाहता हूं। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामबली। और सर, जैसा कि हमने सुना है कि आप दो बार प्रधान रह चुके हैं पूर्व, 10 साल आप प्रधानी किए हैं, तो ऐसे में आप ये बताएंगे कि आपके प्रधानी में कितना विकास हुआ था और आज बीडीसी आप जो निर्विरोध हुए हैं, आपकी बहू हुई है, तो आगे आपकी मंशा क्या है? मैं जब प्रधान रहा, अपने प्रधानी काल में इतना काम किया हूँ, इतना विकास का हूँ कि जब तक ये मनरेगा का कोई पैसा नहीं था, लेकिन हर हर घर सड़क नल बत्ती बिजली सारी व्यवस्था सारा विकास किया। उसी विकास के देखते हुए सारे ग्राम सभा के लोग जब चुनाव हुआ बीडीसी का, तो मैं पर्चा भरा, मेरे पर्चे के नाम से सारे लोग सुन करके गांव में मैंने मीटिंग किया कि मुझे ब्लॉक प्रमुख ही लड़ना है। सारे लोग कहे कि आप निर्विरोध पर्चा भरिए। मेरा केवल एक पर्चा भरा गया, मैं निर्विरोध वहाँ से बीडीसी मेंबर हुआ। किसके नाम से भरा था बीडी? मेरी बड़ी बहू विनेश चौधरी है, एमए पीएचडी की है, पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं सोचा ये है पढ़े लिखी की वजह से ये गांव का विकास, पूरे ब्लॉक का विकास इनके द्वारा ये हम दोनों आदमी मिलकर के करेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि बहू जो है इनकी विनेश चौधरी है और वह जो है अभी बीडीसी निर्विरोध चुनी गई हैं और वह जो है महाप्रमुखी के लिए जो है तैयारी कर रही हैं, और जैसे कि आज युवा जो है आज मैदान में हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर देश के लिए जो है देश की हित के लिए जो है कुछ न कुछ करना चाहता है, ऐसे में जो है महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। आज वही चीज आपको आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के जो है परसुपुर ग्राम सभा से मिल रही है कि वहाँ की यह महिला जो है गृहिणी है घर की और वह जो है घर से लेकर अब बाहर, चूंकि वो बीएड है, पढ़ी लिखी हुई है और वह जो है प्रमुखी की दावेदार है। और निश्चित तौर पर ऐसे अगर पढ़े लिखे लोग जो है समाज में आते हैं आगे उभर कर, तो निश्चित तौर पर उस समाज का, उस देश का, उस ब्लॉक का विकास संभव है। और ऐसे में आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले भी जो है सर प्रमुखी थी और प्रमुख थे, तो क्या लगता है कि उनकी अपेक्षा, उनके कार्यकाल की अपेक्षा क्या लगता है कि इस बार अगर आपकी बहू होंगी प्रमुखी पद के दावेदार है, अगर प्रमुख हो जाती है, तो क्या लगता है कि पिछली प्रमुखी से और इस बार की प्रमुखी से कितना अंतर होगा, कितना विकास होगा ब्लॉक का और गांव का? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले ब्लॉक प्रमुख संजय यादव थे,
लेकिन बेचारे संजय यादव क्या विकास करेंगे, बेचारे अपने चाहे कर्तव्य से चाहे भलाई से चाहे बुराई से अपना खुद जेल में है। कोई भी नेता चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे प्रधान हो, जब जेल में रहेगा तो क्या विकास करेगा। जी जी, मैं संजय की कोई गलती नहीं मान रहा, इस पर मैं संजय की कोई गलती नहीं मान रहा हूँ। जब संजय जेल में है, आज भी पर अगर ब्लॉक प्रमुख ही लड़े ब्लॉक प्रमुख हो जाए, लेकिन विकास क्या कर सकते हैं, क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। जब स्वयं के वो अपने जेल में है, विकास का काम तो वो खुद कर दिए कि ऐसा विकास किए कि खुद जेल में गए। अब जेल ही उनका घर है, तो जिनका घर जेल है उसको होती है तो कितना विकास होगा तुलनात्मक ढंग से। हमारी बहू पढ़ी लिखी है, जेल में नहीं है, बाहर है, उनको शासन से भी बजट लियाना पड़ेगा। तो जो ब्लॉक का बजट है उसके बजट के अलावा शासन से जितना शासन बजट देगा उतना बहू और हम मिलकर के शासन से बजट झानागंज ब्लॉक की विकास करने के लिए लियाएंगे। अगर आपकी बहू जो है प्रमुख चुनी जाती है तो ऐसे में जो है आजमगढ़ जिले में जो आपका ब्लॉक है जहानागंज, तो कई ब्लॉक हैं आजमगढ़ जिले में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ जिले में आप अपने ब्लॉक का किस नंबर पर कौन सा पोजीशन रखेंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अपने को उम्मीद कर रहा हूँ कि शासन से पैसा लिया करके पूरे आजमगढ़ के जिले में पहला नाम लिया जाएगा तो जहानागंज ब्लॉक का नाम लिया जाएगा। तो सर ऐसा है कि जब आप इस प्रमुखी के लिए जो है दावेदार हैं, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि आजमगढ़ जिला है और वैसे लोग बदनाम कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ है ऐसा कि कहीं न कहीं से कोई न कोई आपके ऊपर प्रेशर भी बनाएगा, दबाव भी बनाएगा, क्योंकि आप प्रमुखी के दावेदार हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से, सत्ता से, प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे पहली उम्मीद तो यह है कि मेरे लोग कहते हैं कि हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, देंगे, न कोई गुंडा न कोई बदमाश नहीं कुछ कुछ नहीं आपका कर पा रहा है, लेकिन उसी में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं, 10 वर्ष प्रधान रहे हैं, आप प्रशासन से भी कुछ अपनी सुरक्षा के लिए मदद ले लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे जिले के जिला अधिकारी इतना अच्छे हैं जिनकी प्रशंसा इतना हूँ की जाए, लेकिन वह प्रशंसा करने तो पूरी नहीं होगी। मैं डीएम आजमगढ़ से मिलूंगा, अपनी समस्या कहूंगा, मुझे स्वयं सुरक्षा जिला अधिकारी मुझे पूरी उम्मीद दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।